पानी आ रहा है ना सारा का सारा, वो हवा के जरिए से फेस पे लग रहा है। तो क्या बताऊँ आपको, क्या सुकून मिल रहा है यहाँ आगे। अभी मैं क्लोज नहीं गया, मैं क्लोज जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्लोज जाऊँगा तो मेरी आवाज़ नहीं आएगी। मतलब आप हाइट चेक करें, पहाड़ है, कोई ऊपर बर्फ बर्फ नहीं है, पानी कहाँ से आ रहा है, अल्लाह की कुदरत है, और आया जा रहा है उसको दरिया बन के जाया जा रहा है, कब से आ रहा है, हजारों साल हो गए। बिल्कुल ये अल्लाह की कुदरत है। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, क्या हाल है, कैसे खैरियत से, और क्या चल रहा है, और जिगर मर्दों में किधर, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया शिगर। अस्सलाम वालेकुम, आज एक नई सुबह और एक नया दिन। इस बार हम सो के उठ चुके हैं और नहा के फ्रेश हो चुके हैं। टाइम हो रहा है अराउंड 10:05। मैं जा रहा हूँ अभी नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के बाद फिर आज के प्लान में बताए जाएंगे कि आज हमने किन किन जगहों को विजिट करना है। नाश्ता करने के बाद आज हमारा शिगर फोर्ट एंड मंडुका वाटरफॉल जाने का प्लान है। शिगर फोर्ट पहुंचते ही हमने अपने टिकट्स लिए और फोर्ट में एंटर हो गए। शिगर फोर्ट की अगर तारीख की बात करें तो ये फोर्ट तकरीबन 450 साल पहले राजा हसन खान ने तामीर करवाया था। फोर्ट का फर्स्ट पोर्शन इसके ऊपर बनाया गया था 1634 सेंचुरीज में, राजा हसन खान अमाचा ने वो शिगर का रूलर था। सर ये सिंगल पीस ऑफ स्टोन है विदाउट एनी ड्राइंग, इट इज कार्व्ड, और ये 400 साल पुरानी वॉल है जिसमें अंडे की सफेदी मर्ड एंड हे मिक्स करके प्लास्टर करते थे। रानी का बट्टा है, ये ऑयल पोर्ट, ये बटर पोर्ट, ये चाय शेकर, ये कुकिंग पोर्ट, एंड दिस इज द लोकल प्रेशर कुकर, वेट सिस्टम, इसमें लॉक सिस्टम भी है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के ज़माने की इस्तेमाल शुदा काफ़ी एंटीक चीज़ें रखी हुई हैं जो कि काफ़ी मजबूत और पायदार हैं। यहाँ फोर्ट के साथ ही एक गार्डन मौजूद है जिसे बारादरी कहते हैं। इस जगह की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये एक्चुअली राजा साहब की रिफ्रेशमेंट प्लेस थी। अच्छा, आफ्टर पोलो मैच राजा यूज्ड टू रिलैक्सिंग टाइम। ओके, तो इस जगह को बहादरी क्यों कहते हैं? बाहर इनका म्यूजिक शो चलते थे। अच्छा, इट्स लोअर पोर्शन इज अप्रोक्सीमेटली 200 साल के करीब, 12 दरवाजे हैं ना। अच्छा, एंड इसके ऊपर का पोर्शन टोटली डिमोलिश हो गई थी जिसके लिए रिहैबिलिटेशन। अच्छा, और ये जो बड़ी दरख्त है इस इलाके का ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट ट्री है, खाता अंदर से खाली है। अच्छा, इसमें आफ्टर 300 इयर्स इसके फायर ये अंदर से बर्न हो जाती है, तो देखो क्योंकि इसमें फास्फोरस पैदा हो जाती है एंड हाइड्रोजन पैदा हो जाती है, वो जब ऑक्सीजन से टच हो जाती है तो इसकी रिएक्शन में आग लग जाती है, फिर इसको बुझाई जाती है तो फिर वो जवान हो जाता है, फिर ये 300 साल और जीते। अच्छा, 600 ईयर्स तक इसकी जवानी की लाइफ चलती है, इसके बाद इसकी बुढ़ापा शुरू हो जाती है, ये बूढ़ा होते होते 300-400 साल और लग जाती है। अच्छा, ये 1000 ईयर जी सकते हैं। इसको चिनार कहा है, चिनार इज द पर्शियन वर्ड्स, ची का मतलब है हाउ, कैसा, नार मींस आग, हाउ इज द फायर मींस आतिश जी। अब आप लोग आराम से तस्वीर तस्वीर देने से यही है इसके अंदर जाके, ठीक है, सही, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ पे पहले राजा महाराजा रहा करते थे, उन लोगों की कुछ चीज़ें जो यहाँ पे प्रिजर्व है, पीछे जो आप दरख्त देख रहे हैं इसकी तारीख ये है कि 1000 साल पुराना है, और ये जगह देख सकते हैं कि छोटा सा ग्राउंड है और बाकी जो है ना उस तरफ जो है ना आपको पूरा फोर्ट बना हुआ है। और भाई हम ये आए यहाँ पे, कोई राजा थे, भाई साहब थे, वो उनका ऊपर एक महल अलग था, ये इनका पैलेस था, ठीक है, और यहाँ पर वो बैठते थे, फुल लोग आते थे, झुक के अंदर आते थे, बोलते अस्सलाम वालेकुम राजा भाई, क्या हाल है, कैसे खैरियत से, और क्या चल रहा है, और जिगर मर्दों में किधर, इसलिए उन्होंने इसका नाम रख दिया शिगर। ये तारीख है इस जगह की जो आपने सुनी। वैसे इस जगह को कहते हैं बारादरी, सही है, और मेरे पीछे जो आपको मैंने दर्द दिखाया था, अभी अगेन दिखाता हूँ, मेरे पीछे जो दर्द देख रहे हैं इसकी तारीख है कि ये 1000 साल पुराना है। तो बाकी अंदर जो है ना फोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें पुराने ज़माने की प्रिजर्व करके रखी हुई हैं, जो तारीख है यहाँ की, और बहुत ही समझने की अगर हम पहले के ज़माने के मुताबिक देखें तो पहले की जो चीज़ें वो इस वक्त के मुताबिक जो अगर हम कंपेरिज़न किया जाए तो काफ़ी समझने के पायदार और काफ़ी एडवांस्ड है। मतलब हम जो समझते हैं हम लोग काफ़ी एडवांस जा चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप तारीख पर जाते हैं तो आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही से देख के आप हैरान होंगे। अच्छा जी, तो हम लोगों ने पीछे आपको फोर्ट दिखा चुके हैं जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें प्रिजर्व थी। ये एक गार्डन टाइप था जहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि एक बहुत ही ओल्ड जो है ना यहाँ पे एक दरख्त है, ये एक जगह है जहाँ पे सब आगे पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हैं। हल्का सा पानी है जो कि बिल्कुल ब्लूइश कलर इसमें आ रहा है, साफ़ नहीं है लेकिन इसमें ब्लूइश कलर आ रहा है। बाकी ये जगह आप देखें कितनी हरियाली है और खूबसूरती यहाँ पर है,
لٹرلی مطلب یہاں پہ آپ آئیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ واقعی خوبصورتی ہے فورٹ کی, اپنی خوبصورتی ہے کیونکہ وہ ٹریڈیشنل پوری پرانی تاریخ ہے اس کے اندر موجود ہیں, پرانی چیزیں پرزرو کی ہوئی ہیں, پرانی پرانی چیزیں ہیں اس کے اندر, آپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں کہ اس دور کے اندر بھی اتنی جدید چیزیں جو آج ہمارے پاس نہیں ہیں وہ سب ان کے پاس موجود تھیں. اور یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں ابھی پکچرز کلک کروا کے, سب جا چکے ہیں, میں اینڈ پہ کھڑا ہوا ہوں, میں بھی بس آگے نکل رہا ہوں. اچھا جی, ہم لوگ ابھی فورٹ سے باہر آ چکے ہیں اور باہر نکلتے ہی یہاں پہ ایک نہر گزر رہی ہے جو بیسکلی آبشار ہے, جو پہاڑوں سے پانی سارا نیچے کی طرف آتا ہے, سارا وہ پانی جو گلیشیئر پگھل پگھل کے نیچے کی طرف آ رہا ہے. بہترین نظارے ہیں یہاں سے, آپ دیکھیں لک وائز بالکل بولنے پر ٹائپ آپ کو لگ رہا ہے, اوپر پہاڑوں سے یہ نکلتا ہوا آتا ہے تو نیچے کی جانب سے یوں سیدھا کی طرف ہی جاتا ہے آگے کی طرف. ہم لوگ ابھی نکلے ہیں آگے کی طرف, ابھی ہم لوگ باہر نکلے ہیں اور مزید ہم لوگ آگے پلان کر رہے ہیں کہ ہمیں اب کہاں جانا ہے. ابھی ہم لوگ فورٹ سے باہر نکل رہے ہیں, واپسی بس سے بیٹھ رہے ہیں, اب ہم آگے جا رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہوگا بالکل پاک شفاف پانی, یہ وہی پانی جو میں نے آپ کو اس والے پوائنٹ سے دکھایا تھا, پورا پہاڑوں کے اوپر سے ہوتا ہوا نیچے کی جانب آ رہا ہے. شگر فورٹ کے بعد ان خوبصورت پہاڑی راستوں سے گزرتے ہوئے اب ہم جا رہے ہیں منتوگا واٹر فال, جو کہ شگر فورٹ سے 2 گھنٹے کے فاصلے پہ موجود ہے. اچھا سر, ہم اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں منتوگا واٹر فال پہ اور آگے یہ جو مناظر ہیں نا, اتنے کوئی لش ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اتنی یہاں پہ ٹھنڈ ہو گئی ہے کہ سب نے جیکٹس پہننا شروع کر دی ہیں, میں نے یہ پہن لی. اب آپ کو مین ویو پوائنٹ دکھاتا ہوں. جس ویو پوائنٹ کی میں بات کر رہا تھا وہ ویو پوائنٹ آپ کے پیچھے نظر آ رہا ہے, اوپر سے پانی بہہ رہا ہے, اتنی خوبصورت جگہ ہے. یہاں پہ ٹھنڈ اتنی ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ہم لوگوں نے جیکٹس ویئر کرنی ہے. بھائی اوپر سے پانی بچا ہوا نیچے کی جانب آ رہا ہے اور یہاں پہ سب جو ہے پکچر سب کلک کروا رہے ہیں. یہ جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت ہے, پہاڑوں کے اوپر سے پانی جا رہا ہے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور جو ہے فریش واٹر جو ہے نا آگے کی طرف کو پھیلتا ہوا جا رہا ہے. جی, واٹر فال کے ساتھ وہاں جانے کے لیے یہاں پہ ایک برج بنا ہوا ہے, اس برج کو ہم کراس کرتے ہیں. ویسے تو کافی یہ ہل رہا ہے لیکن خیر ہے, چل ماحول ہے. یہ پوری جو ہے نا, ابھی یہ دیکھیں میں ایک جگہ کھڑا ہوا ہوں, یہ پورا ہل رہا ہے لیکن خیر ہے, کچھ ہوگا نہیں, اللہ مالک ہے. سینٹر میں چلا, سینٹر میں چل. ابے بھائی کچھ زیادہ ہلنا ہے, تو دور سے ہی لگ رہا تھا کتنا ہل رہا ہوگا, قریب آ کے پتا چلا بھائی بڑا خطرناک ہل رہا ہے. یہ تو کراس کر لیا میں نے, اب یہاں سے تو اوپر سے پانی آ رہا ہے نا سارا کا سارا, وہ ہوا کے ذریعے سے فیس پہ لگ رہا ہے. کیا بتاؤں آپ کو, کیا سکون مل رہا ہے آگے. ابھی میں کلوز نہیں گیا, میں کلوز جا رہا ہوں, لیکن جب میں کلوز جاؤں گا تو میری آواز نہیں آئے گی. اچھا جی, اس میں منتوگا واٹر فال موجود ہیں اور بھائی میں گیا تھا انتالیہ ٹنڈی میں جو ہے, وہاں پر ہم نے ایک واٹر فال دیکھی تھی, ڈورن واٹر فال. تو وہاں پہ جو پاکستانی ہمارے ساتھ گئے تھے نا, وہ بڑے حیران ہو رہے تھے کہ یار اتنی زبردست واٹر فال ہے. سر اگر آپ پاکستان صحیح سے ایکسپلور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا پاکستان میں کتنی بیوٹی ہے. لک ایٹ دا ہائٹ, مطلب آپ ہائٹ چیک کریں, پہاڑ ہیں, کوئی اوپر برف برف نہیں ہے, پانی کہاں سے آ رہا ہے, اللہ کی قدرت ہے, اور آیا جا رہا ہے اس کو دریا بن کے جایا جا رہا ہے, کب سے آ رہا ہے, ہزاروں سال ہو گئے. بالکل یہ اللہ کی قدرت ہے. یہاں پہ آ کے آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ پاکستان کا ایک ٹکڑا ہے. بالکل بہت خوبصورت جگہ ہے, آپ دیکھ سکتے ہو پہلے پانی بہہ رہا ہے, وہ آگے یہاں پہ اپنی پکچرس کلک کروا رہے ہیں, پیچھے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارا پانی بہتا ہوا آ رہا ہے, اوپر سے ایک برج ہے جو کہ ویڈیو کے لیے کافی اچھا ہے, جب آپ گزرتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا برج یوں ملتا ہے. لیکن یہ جگہ واقعی ورد رکھتی ہے, بہت خوبصورت ہے, اگر آپ اس ایریا میں آتے ہیں تو اس جگہ کو لازمی وزٹ کریں, بہت خوبصورت جگہ ہے. ہزاروں سال سے یہ پانی اسی طرح سے بہتا ہوا آ رہا ہے, اوپر نہ تو کوئی گلیشیئر ہے نہ ہی کوئی لیک, یہ اللہ کی قدرت ہے
कि जिस स्पीड से ये पानी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ इंसान की सोच ख़त्म हो जाती है। फाइनली भाई ये क्रॉस करके आ गए। बड़ा ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, पिक्चर इतनी मुश्किल से खिंचवाई है, हर बंदा आगे कूद रहा है, कोई भाग रहा है, कैमरा शेक हो रहा है, पिक्चर सही नहीं आ रही। तो क्रॉस करने में बड़ा मुश्किल है, बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है, गैप इतना है कि आपका पाँव जा सकता है लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल गिरने का तो खर्चा होता ही, तो ये सीन है आएगा। अच्छा जी, तो हम लोग यहाँ पे आए थे, निकलने का टाइम यहाँ पे हो चुका है। हमने 3 घंटे इस टाइम मठोका वाटरफॉल में स्टे किया है। अब हम लोग वापस स्टेडू के लिए जा रहे हैं, लेकिन स्टेडू जाते वक्त हम लोग बाज़ार रुकेंगे, बाज़ार में हम भले वगैरह खाएंगे, जो कि यहाँ की बड़ी फेमस और ट्रेडिशनल फूड है, तो वो हम ट्राई करेंगे आपको। कल हम लोग जाएंगे खपलू, और उससे आगे हम अभी कुछ रिवील नहीं करना चाहते, वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। कसल भाई, आपको ये जगह कैसी लगी? यार जगह बहुत आया लगी है, मैंने तो पहले ही बताया आपको कि भाई पाकिस्तान जो है ना फुल नेचुरल ब्यूटी वाले का मालिक है, बहुत टाइट, बहुत ट्रिमर आ गया। फाइनली अब वक्त आ गया स्कूल से जहाँ पर इंतजार करने का, तो इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से भी निकल रहे हैं। अब हमारा प्रोग्राम है बल्ले खाने का, ये जो है ना स्कर्दू की ट्रेडिशनल डिश है, अब हम लोगों ने ट्राई करनी है आज। जब ट्राई करेंगे तो आपको बताएंगे कि वो किस तरह की है। अभी हम गाड़ी में बैठ रहे हैं, फिर हम निकलते हैं। गाड़ी में बैठ के अब हम गेम्स खेलते हुए वापस होटल की जानिब जा रहे हैं। अच्छा जी, इस वक्त सुबह हो चुकी है और मैं सो के उठ चुका हूँ। रात में आपको अपडेट इसलिए नहीं कर सका कि हम जब मठोका वाटरफॉल से जब यहाँ पे आए तो सब इतने थक चुके थे कि सब ने खाना खाया और सब जाके सो गए। तो मेरा भी ये प्लान था कि मैंने कैमरा नहीं उठाया, काफ़ी मैं थक चुका था, इस वजह से मैं डायरेक्ट आके सो गया। आपको अपडेट ये करता चलूँ कि आज हमारा यहाँ पे स्कर्दू में लास्ट डे है, मतलब जो कल जो हमारा प्रोग्राम था जिसमें हम लोगों ने मठोका वाटरफॉल कवर अप किया, वो हमारा सेकेंड लास्ट प्रोग्राम था। आज हमारा यहाँ पे स्कर्दू में लास्ट प्रोग्राम है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमने किन जगहों को विजिट करना है ये सब मैं आपको बताऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करें। मेरा नाम है मुजफ्फर आरिफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।